साल 2019 खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। सभी पर्यटक साल 2019 की विदाई और साल 2020 के आगमन का जश्न मनाने अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। बात करें मिनी स्विट्जरलैंड चोपता दुगलपिट्टा की, तो चोपता में यूं तो साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता है, लेकिन पुराने साल की विदाई और नए साल का जश्न मनाने भारी तादाद में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। इस साल भी यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन स्थानों पर शीतलहर और आगामी दिनों में मौसम विभाग की चेतावनी पर्यटकों के आनंद में खलल डाल सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भारी बर्फबारी की आशंका जताई है, जो कहीं न कहीं सैलानियों की परेशानी बढ़ा सकता है। वहीं मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया, जिससे पर्यावरण का संतुलन सैलानियों के शोर और उड़दंग से खराब न हो। पुलिस अधीक्षक ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वो ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में बिना किसी गाइड के ना जाएं, साथ ही वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। देखिए, जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, खासकर चोपता एरिया में बहुत ज्यादा लोग आते हैं न्यू ईयर ईव पे, तो उनको जागरूक किया जा रहा है और वहाँ पे एक्स्ट्रा पुलिस बल और PAC डिप्लॉय करा गया है न्यू ईयर ईव के लिए। और यात्रियों से अपील की जा रही है कि ज्यादा बर्फ वाले एरिया में या ज्यादा हाइट पे बिना गाइड के, बिना गाइडेंस के ना जाए, और जहाँ पे गाड़ी स्किड होने का खतरा है वहाँ पे भी प्रशासन की मदद से चूना डाल के या ड्यूटी लगा के लोगों को बताया जा रहा है। बताने की चोपता दुगलपिट्टा में स्थानीय लोगों द्वारा लगातार अतिक्रमण कर टेंट और होटल खड़े किए जा रहे हैं, जिसको लेकर वन विभाग भी अब नींद से जाग गया। वन विभाग ने करीब 2 दर्जन अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमाकर जल्द टेंट होटल हटाने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने भी वन विभाग के नोटिस पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। देखिए, चोपता जो हमारा एरिया है वो फॉरेस्ट का एरिया है और उसमें वन विभाग द्वारा सेंचुरी एरिया होने के कारण कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने अभी उसमें कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अगर कोई नोटिस दिया गया होगा तो वन विभाग द्वारा नोटिस दिया गया। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन तो पूरी तरह तैयारी कर रहा है, ताकि किसी के नए साल के जश्न में खलल पैदा ना हो। साल 2019 की विदाई और नए वर्ष के आगमन पर रुद्रप्रयाग के पर्यटक स्थलों की ओर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सैलानियों का तांता लगने लगा है, लेकिन हार्ड कपाती ठंड और उच्च हिमालय क्षेत्रों में आगामी दिनों मौसम विभाग की भारी बर्फबारी की चेतावनी सैलानियों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ऐसे में ज़रूरत है सैलानी सकुशल नए वर्ष का जश्न मना सके, इसके लिए पुलिस और प्रशासन को पुख्ता इंतजाम करने होंगे। भूपेंद्र भंडारी, पंजाब केसरी TV, रुद्रप्रयाग।